एमएस धोनी के फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। एमएस धोनी 2 मार्च से मैदान पर वापसी करने वाले हैं। आईपीएल के 13वें सीजन के लिए धोनी 2 मार्च से ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। धोनी चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के दूसरे खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करेंगे। बता दें कि धोनी ने वर्ल्ड कप के बाद से कोई क्रिकेट मुकाबला नहीं खेला है और वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर है। वो आखिरी बार पिछले साल इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आखिरी बार खेले थे। बीसीसीआई ने जनवरी में उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ियों की सूची से भी बाहर कर दिया था। धोनी की ट्रेनिंग की जानकारी चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ केएस विश्वनाथन ने दी। उन्होंने बताया कि धोनी 2 मार्च से एमएस चिदंबरम स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे। वो उस समय उपलब्ध अन्य खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि टीम का पूर्ण तैयारी शिविर 19 मार्च से शुरू होगा, जब सारे खिलाड़ी टीम से जुड़ेंगे। बता दें कि आईपीएल 2020 की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स और मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच 29 मार्च को मुंबई में होने वाले मुकाबले से होगी। सूत्रों की माने तो पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सुरेश रैना और रायडू जैसे खिलाड़ियों के साथ 2 हफ्ते अभ्यास करने की उम्मीद है। इसके बाद वो ब्रेक लेंगे और फिर वापस लौटेंगे। रैना और रायडू यहाँ पिछले लगभग 3 हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहे हैं। बता दें कि धोनी के लिए आने वाला आईपीएल बेहद अहम है। ऐसा माना जा रहा है कि धोनी का करियर अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन टीम इंडिया के हेड कोच शास्त्री ने बयान दिया था कि अगर धोनी आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी टीम में वापसी कौन रोक सकता है। हालांकि धोनी ने अभी साफ नहीं किया है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। अगर धोनी की मंशा वापसी करना है तो फिर आईपीएल उनके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। धोनी अगर आईपीएल में रनों का अंबार लगाते हैं तो फिर वो अक्टूबर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में जगह पाने के हकदार भी बन जाएंगे। धोनी के अनुभव की टीम इंडिया को जरूरत भी है। धोनी ने अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम में धोनी की वापसी कब होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अब धोनी के जुड़ने की खबर सामने आ गई। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।